रॉयल रंबल WWE के चार सबसे बड़े PPV में से एक होता है और सभी फैंस की निगाह रॉयल रंबल पर तो जरूर रहती ही है। कई सारे लोग लकी और अनलकी चीजों में विश्वास रखते हैं। ऐसी ही चीज अगर रॉयल रंबल में भी देखी जाए तो ऐसा है। सबसे ज्यादा विनर रॉयल रंबल में 27 नंबर से ही आए हैं, वह भी चार रेसलर। पर रॉयल रंबल में एक ऐसा नंबर भी है जो स्थापित माना जाता है, यह नंबर है 14 यानी 14। कुछ रेसलिंग विद्वानों के हिसाब से रॉयल रंबल का 14 नंबर का अंक से कोई न कोई अर्बन लेजेंड जुड़ा हुआ है। आखिर क्या हुआ था 14 नंबर पर आने वाले रेसलर्स के साथ, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं 14 नंबर की मिस्ट्री के बारे में। रॉन बैस 1988। रॉन बैस अपने समय में अपने हंटर के लिए जाने जाते थे। 1988 में इन्होंने 14 नंबर पर एंट्री किया हुआ था, पर इसके कुछ समय बाद इन्हें कई सारी इंजरीज का सामना करना पड़ा और इनका कैरियर तबाह हो गया। इसके बाद इन्हें घर चलाने के लिए सेल्समैन का काम तक करना पड़ गया था। 1989 मार्टी जेनेटी। जेनेटी अपने समय के मशहूर रेसलर माने जाते थे, पर 1989 के बाद वह अपने पार्टनर शॉन माइकल की तरफ प्रसिद्ध नहीं हो पाए। उनके पार्टनर शॉन माइकल कई बार WWE चैंपियन बन गए और कुछ समय बाद तो हॉल ऑफ फेम के सम्मान से भी सम्मानित हो गए, पर जेनेटी का कुछ नहीं हो पाया और कुछ समय बाद उन्हें रिलीज भी कर दिया गया था। 1990 में आए हाकू, वह भी 14 नंबर पर। इससे पहले हाकू WWE के बहुत बड़े हील रेसलर हुआ करते थे, पर इसके बाद हाकू के जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उन्हें कंपनी से रिलीज करके घर भेज दिया गया। बाद में हाकू को घर चलाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करना पड़ गया था। 1991 में आए डेवी बॉय स्मिथ यानी ब्रिटिश बुलडॉग। इससे पहले तक बुलडॉग WWE के टॉप मिड कार्ड रेसलर हुआ करते थे, पर इसके बाद उनके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। साल 2002 में मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। 1992 में आए हरकुलिस। इस रॉयल रंबल के बाद उन्हें तुरंत कंपनी से निकाल दिया गया। बाद में वह WCW में भी दिखाई दिए थे। साल 2004 में मात्र 47 वर्ष की उम्र में इनका भी देहांत हो गया। 1993 में आए द बर्जरकर। बर्जरकर अपने समय के काफी प्रसिद्ध रेसलर हुआ करते थे। वह अपने साथ एक बड़ी तलवार और एक बड़ी ढाल भी लाया करते थे, पर 1993 के रॉयल रंबल के बाद बर्जरकर को भी कंपनी वालों ने निकालकर घर भेज दिया। इसके बाद 1994 में आए डोइन द क्लोन। डोइन द क्लोन को भी इस रॉयल रंबल के बाद कंपनी वालों ने निकालकर घर भेज दिया। बाद में मात्र 55 साल की उम्र में इनका भी देहांत हो गया। इसके बाद 1995 में आए जैकब ब्लू। इन्होंने कई सारे गिमिक चेंज किए, बाद में कई कंपनियां भी चेंज करी, पर कुछ भी नहीं हुआ। अंत में इन्हें भी WWE से रिलीज करके घर भेज दिया गया। इसके बाद 1996 में आए डग गिलबर्ट। बस इनका यही तो एक 3 मिनट का एपीयरेंस था WWE में इसी रॉयल रंबल में। इसके बाद गिलबर्ट को कभी कंपनी में देखा ही नहीं गया। 1997 में आए गोल्डस्ट। इससे पहले तक गोल्डस्ट कंपनी में काफी प्रसिद्ध थे, पर इसके बाद गोल्डस्ट को एक जॉबर जैसा बना दिया गया। लंबे समय तक उनके साथ बहुत बुरा हुआ। बाद में उनके भाई ने उन्हें ऑल एलिट रेसलिंग में लगा दिया। वर्तमान में गोल्डस्ट ऑल एलिट रेसलिंग में है। 1998 में आए केन शैमरॉक। इनके साथ भी कंपनी में उतार चढ़ाव तो हुआ ही, पर यह कंपनी के सक्सेसफुल रेसलर बने। बाद में MMA में भी सक्सेसफुल रहे, पर बीच में कंपनी वालों ने इन्हें भी कई बार रिलीज कर दिया था। 1999 में आए कुर्गन। इससे पहले तक कुर्गन WWE के बहुत बड़े खूंखार रेसलर हुआ करते थे, पर 1999 के बाद कुर्गन के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने रेसलिंग को छोड़ी दिया। बाद में कुर्गन को राक्षस के रूप में हॉलीवुड की फिल्मों में देखा गया और उन्होंने एक अच्छा एक्टिंग कैरियर बनाया। साल 2000 में आए बॉब बैकलैंड। यह ऐसे रेसलर थे जो इस सांप से बच गए और बाद में WWE हॉल ऑफ फेम के सम्मान से भी सम्मानित हुए। पर कुछ रेसलिंग विद्वानों की माने तो साल 2000 के बाद बॉब बैकलैंड का रेसलिंग कैरियर कुछ उतना अच्छा भी नहीं चला। साल 2001 में आए द गॉडफादर। गॉडफादर को भी हम बोल सकते हैं कि उन पर सांप का असर नहीं हुआ, क्योंकि बाद में इन्हें भी हॉल ऑफ फेम के सम्मान से सम्मानित किया गया था। पर यह दावा किया जाता है कि साल 2001 के बाद गॉडफादर की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा कम हो गई थी।
साल 2002 में आए डायमंड डलास पेज। 2002 के रॉयल रंबल के बाद डायमंड डलास पेज को कभी देखा ही नहीं गया। वे योगा सिखाने लग गए और इसके बाद वह सीधे साल 2015 के रॉयल रंबल में ही दिखे थे। वहां भी वह 14 नंबर पर आए और उसके बाद अब तक वह सिर्फ योगा ही सिखा रहे हैं। इसके बाद साल 2003 में आए एडी गुरेरो। एडी गुरेरो अपने समय के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार थे। अगर वह आज जिंदा होते तो वह कंपनी के टॉप सुपरस्टार होते। इस रॉयल रंबल के 2 साल बाद साल 2005 में मात्र 38 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया। इनकी असमय मृत्यु ने पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। 2004 में आए रिकी सी। इस रॉयल रंबल के कुछ समय बाद इन्हें WWE से रिलीज करके घर भेज दिया था। ये द उसोज के पिता हैं। साल 2005 में आए ऑरलैंडो जॉर्डन। इस रॉयल रंबल के 1 साल बाद इन्हें भी कंपनी से निकालकर घर भेज दिया था। बाद में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से इन्हें TNA में काम मिला। साल 2006 में आए जोई मरकरी। आगे चलकर इनके टैग टीम पार्टनर जॉन मॉरिसन तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, पर यह प्रसिद्धि नहीं पा सके। साल 2011 में इन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया गया। कहा जाता है बाद में इन्हें अपने खर्चे चलाने के लिए सेथ रॉलिंस का बॉडीगार्ड की नौकरी तक करनी पड़ गई थी। साल 2007 में आए जेफ हार्डी। जेफ हार्डी WWE और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन गए थे और कई बार तो टैग टीम चैंपियन भी बन गए थे, पर साल 2007 के बाद जेफ हार्डी के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि उन्हें कंपनी छोड़कर TNA में जाना पड़ गया था। बाद में लंबे समय बाद उन्होंने कंपनी में अपनी वापसी भी की थी। साल 2008 में आए उमागा। इन्हें भी कुछ समय बाद कंपनी से निकाल कर घर भेज दिया गया। इसके 6 महीने बाद उमागा अपने घर में मरे हुए मिले। उस समय उनकी उम्र मात्र 36 साल की ही थी। साल 2009 में आए फिनले। इसके बाद 1 साल भी नहीं बीता होगा उससे भी कम समय में उन्हें फुल टाइम एजेंट और ट्रेनर बना दिया गया। कुछ समय बाद उन्हें कंपनी से रिलीज करके घर भी भेज दिया गया था। वर्तमान में वह बैक स्टेज में किस तरीके से काम करते हैं यह तो आप सभी लोग जानते ही हैं। साल 2010 में आए MVP। 2010 से पहले MVP रैंडी ऑर्टन की तरह ही बेहद ही खतरनाक किस्म के रेसलर हुआ करते थे, पर 2010 के इस रॉयल रंबल के कुछ समय बाद ही उन्हें रिलीज करके घर भेज दिया गया और कुछ समय के लिए उन्होंने TNA में भी काम किया था। साल 2011 में आए क्रिस मास्टर्स। क्रिस मास्टर्स को भी कंपनी वालों ने कुछ समय बाद निकाल कर घर भेज दिया। साल 2012 में आए जिंदर महल। इसके कुछ समय बाद ही जिंदर महल एक जॉबर की तरह 3MB नामक टीम में काम करने लग गए थे। साल 2014 में उन्हें निकाल कर घर भेज दिया था। साल 2013 में आए 619 मास्टर रे मिस्टीरियो। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने इंजरीज के चलते WWE को छोड़ दिया था और एक लंबे समय तक रे मिस्टीरियो WWE से ओझल हो गए। वर्तमान में लंबे अंतराल के बाद ही हम रे मिस्टीरियो को WWE में देख रहे हैं। साल 2014 में आए केविन नैश। केविन नैश यहाँ पर एक ही एपीरियंस के लिए आए हुए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उन पर सांप का असर नहीं हुआ, पर विद्वानों की माने तो केविन नैश के साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। केविन नैश को कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ा था। साल 2015 में आए डायमंड डलास पेज। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2002 के रॉयल रंबल के बाद डायमंड डलास पेज सिर्फ योगा सिखा रहे थे, 2015 में एंट्री के बाद डायमंड डलास पेज का योगा ही एक पैशन बन गया। तब से उन्हें कभी कंपनी में देखा ही नहीं गया। इसके बाद 2016 में कोडी रोड्स आए, जो वर्तमान में ऑल एलिट रेसलिंग में चले गए हैं। WWE के हिसाब से देखा जाए तो कोडी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में आए कोफी किंगस्टन। 2018 में आए सिंस्के नाकामुरा। साल 2015 के बाद कोई भी ऐसा सापी चीज रेसलरों के साथ नहीं देखा गया। कुछ विद्वान यह भी दावा करते हैं कि आने वाले समय में हमें कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल भी सकते हैं। अब लकी या अनलकी चीजें हर किसी के जीवन में तो होती ही हैं। आप इस पर यकीन करें या नहीं करें, इसका निर्णय मैं आप सभी पर ही छोड़ता हूँ। हमारे कई सब्सक्राइबर्स रॉयल रंबल के स्थापित अंक यानी 14 नंबर पर विशेष वीडियो चाहते थे, इसलिए आज हमने यह वीडियो भी आपके लिए बना दिया है। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह अंक तैयार किया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक और भी यदि खास एपिसोड में इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।